नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिल्म10ment पर। आज हम उस अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसने सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था और खूबसूरती में उसे उन दिनों दूसरी ऐश्वर्या राय माना गया था, लेकिन वो कुछ सालों में ही बॉलीवुड से गायब हो गई। हम बात कर रहे हैं साल 2005 में आई फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव की हीरोइन स्नेहा उल्लाल की। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगू, कन्नड़, बंगाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। तो आजकल स्नेहा क्या कर रही हैं, कहाँ हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं, पर पहले उनके शुरुआती जीवन के बारे में जान लेते हैं। स्नेहा उल्लाल का जन्म 18 दिसंबर 1987 को मस्कट, ओमान में हुआ था। उनके पिता का नाम नितिन उल्लाल है और माँ का नाम उषा उल्लाल है। स्नेहा की एक बहन है जिनका नाम सौम्या उल्लाल है। स्नेहा ने MMK कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और पढ़ाई के दौरान ही उन पर नज़र पड़ गई थी सलमान खान की, और उन्होंने अपनी फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव के लिए हीरोइन बनने का ऑफर दे दिया। स्नेहा की शक्ल अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से काफ़ी मिलती जुलती थी और कहा जाता है कि इसी की वजह से उन्हें सलमान खान ने अपने साथ काम करने का मौका दिया, क्योंकि उसी समय सलमान का ऐश्वर्या राय के साथ ब्रेकअप हुआ था। हालांकि स्नेहा को इस फिल्म से कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। यह फिल्म ना तो क्रिटिक्स को पसंद आई और ना ही दर्शकों द्वारा फिल्म को पसंद किया गया। इसके बाद साल 2006 में स्नेहा ने फिल्म आर्यन में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान के भाई सोहेल खान के साथ काम किया। साल 2007 में स्नेहा फिल्म जाने भी तो यारों में एक कैमियो किरदार में नज़र आई, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने साउथ की तरफ रुख किया। और साल 2008 में स्नेहा उल्लाल ने तेलुगु फिल्म उल्लासमंग उत्साहमंग में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें तेलुगु अवार्ड शो में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इस साल स्नेहा की दो और तेलुगु फिल्में आईं, नेनू मूकू तेलुसा और किंग। साल 2009 में स्नेहा ने एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी की और फिल्म काश मेरे होते में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। इसके बाद स्नेहा फिर से साउथ गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें काम मिलना काफ़ी कम हो गया। हालांकि उन्होंने कई तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। साल 2012 में स्नेहा उल्लाल ने अपना डेब्यू बंगाली फिल्मों में भी किया। उनकी पहली बंगाली फिल्म का नाम मोस्ट वेलकम था। साल 2015 में स्नेहा को एक बार फिर हिंदी फिल्म बेजुबान इश्क में देखा गया। इसके बाद स्नेहा का कुछ पता नहीं चला और वो लाइमलाइट से गायब हो गई। इस फिल्म के बाद स्नेहा ने कोई फिल्म या विज्ञापन नहीं की। खबरों के मुताबिक स्नेहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझने लगी थी और वो अपने पैर पर 30-40 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं रह पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया और बॉलीवुड और टॉलीवुड से दूर हो गई। अगर उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो स्नेहा उल्लाल का नाम आज तक किसी के साथ नहीं जुड़ा है और ना ही उन्हें कभी किसी के साथ देखा गया है। हालांकि उनका नाम एक बार कंट्रोवर्सी में उस समय आया था जब उनकी जीवनी पर मशहूर विकिपीडिया पेज ने एक टिप्पणी लिखी थी कि उनकी शादी किसी योगेश पाटिल से हो गई है। इस बारे में स्नेहा ने बाद में कहा था कि उनकी शादी ना तो किसी से हुई है और ना ही वो अपने जीवन में शादी करना चाहती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हों तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोस देखने को मिलती रहें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।